जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि माता शेरावाली सपने में कब कब आती है। तो ये तो माता के आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन भी कुछ खास कारणों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमें इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए लाइक करना एंड कमेंट करना ना भूलें। आपकी लाइफ से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड आपका कोई भी इशू, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें बताएं, हम आपका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला कारण, माता आपके सपने में तब आती है जब आप बहुत लगन से माता की भक्ति कर रहे हो और माता को आपकी भक्ति से सुख आनंद मिल रहा हो, तब वो सपने में आपको धन्यवाद देने और प्यार देने आती है। दूसरा कारण हो सकता है कि माता तब आती है जब आप भक्ति कर रहे हो लेकिन गलत तरीके से कर रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो आपको भक्ति के दौरान नहीं करने चाहिए, माता तब आपको समझाने आती है। तीसरा कारण हो सकता है कि माता तब आती है जब आपके भविष्य में कोई घटना घटित होने वाली हो, अच्छी हो या बुरी, माता उसके संकेत देने आती है कि भविष्य में आपको कैसे रहना है। अगला कारण हो सकता है कि माता तब आती है सपने में जब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास घूम रही हो और उससे आपकी रक्षा करने माता आती है। अगला कारण हो सकता है कि माता तब आती है सपने में जब आपने खुशी खुशी में माता के लिए कुछ चीज बोल दिया हो और वो नहीं चढ़ाया हो एक निश्चित टाइम के बाद, तो माता आपको वो चीज़ याद दिलाने आती है, क्योंकि माता की खास बात होती है कि या तो माता को आप बोलिए मत, और आप अगर माता से वादा करते हैं तो उसे निभाइए, माता उससे ज़्यादा खुश होती हैं। तो ये कुछ कारण थे। अगर आप विस्तार से इसकी जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।